हेलो दोस्तों, गैजेट गुड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास है सैमसंग का एक फीचर फोन, तो मैं इसको एक्सचेंज करा के जियो फोन लेने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे 500 रुपये देना है और जियो फोन लेना है। तो आपको कैसे लेना है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए आपके पास एक फीचर फोन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी का फीचर फोन हो चलेगा आपके पास, मगर इसके लिए कुछ कंडीशन है। तो इसमें क्या, आपका फोन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, फोन में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए और फोन का बैटरी एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए मेरे पास ओरिजिनल बैटरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सैमसंग का ओरिजिनल बैटरी है और इसके साथ आपका ओरिजिनल चार्जर चाहिए, तो मेरे पास सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर भी है। तो मैं आज इसको एक्सचेंज करूंगा जियो फोन के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑनलाइन में बुक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एड्रेस एलिजिबल रहा तो आपका घर में आएगा आपका एक्सचेंज करवाने के लिए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है जियो फोन एक्सचेंज के लिए। तो सबसे पहले आपको माई जियो का ऐप में जाना है। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप jio.com में भी जाकर डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऐप में जाकर दिखा। तो देखिए यहाँ पर लिखा रहा है मानसून हंगामा ऑफर 105 रुपये, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए नंबर देने बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आपका मोबाइल में OTP आएगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। तो मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जनरेट OTP का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में OTP चला जाएगा। तो मेरा ये वाला फोन है तो इसमें देखिए OTP आएगा अभी। तो OTP आ चुका है मेरा, तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या OTP है। तो जैसे कि देख रहे हैं OTP रहा मेरा, तो चलिए इसको मैं प्रेस कर लेता हूँ। 3268 19। तो OTP दे दिया, तो अब मुझे सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एंटर योर डिटेल्स बिलो अपॉइंटमेंट फॉर जियो फोन। तो यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स देने को पड़ेगा, जैसे कि देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और एरिया का पिन कोड आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस आपको देना पड़ेगा, यानी कौन सा एड्रेस में आप डिलीवर लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ पहले। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने अपना सभी डिटेल्स को सबमिट कर दिया। देखिए फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद एरिया का पिन कोड दे दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए लिखा है आई वॉन्ट डोर स्टेप डिलीवरी, यानी अगर आप अपना घर पर डिलीवरी लेना चाहते हो तो देखिए आपको 99 रुपीज़ पे करना है डिलीवरी चार्ज। तो होगा कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो, बट डिलीवरी लेना चाहते हो नया मोबाइल का, तो उसके लिए जियो का बंदा आएगा आपका घर पर, खुद आके एक्सचेंज करके बाद मोबाइल दे के जाएगा फिर से नया करके। और अगर आप चाहें तो खुद से जाके दुकान से जाके पिकअप करवा सकते हैं जियो स्टोर से। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा, जो कि फ्री है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर लेता हूँ होम स्टॉप डिलीवरी, जो कि मुझे ऑनलाइन में बुक किया था, तो हम मुझे चाहिए डिलीवरी, तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटर डिलीवरी एड्रेस, आप कौन सा एड्रेस में डिलीवरी लेना चाहते हो डिलीवरी एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस को सबमिट कर दिया है, तो मुझे इस वाला एड्रेस में डिलीवरी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है आई एम इंटरेस्टेड इन जियो फोन मानसून हंगामा एक्सचेंज ऑफर। अगर आपको एक्सचेंज करना है तो ये वाला ऑफर में क्लिक करना है। विदाउट एक्सचेंज लेना है, यानी नया फोन लेना है, तो आपको इस वाले में क्लिक करना है। तो ठीक है, अगर आपको एक्सचेंज चाहिए तो इस वाले में क्लिक कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ दे आएंगे, तो यहाँ पे आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डिलीवरी टाइम, इसमें आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कौन सा डेट में आप डिलीवरी लेना चाहते हो, तो मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ट्यूसडे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे आपको टाइम पूछा जाएगा कौन सा टाइम में आप चाहते हैं, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 4 से 5 बजे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्फर्म का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। तो जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका बुक कन्फर्म हो चुका है। तो जैसे लिखा है देखिए ऑर्डर कन्फर्म, कॉन्ग्रेचुलेशन योर डोर स्टेप डिलीवरी इज बुक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है डिलीवरी डेट ट्यूसडे 24 जुलाई, और डिलीवरी टाइम देखिए 4 से 5 बजे तक टाइम दिया गया है, और मुझे ए वाला एड्रेस में चाहिए, तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, अमाउंट पेएबल 99 डोर स्टेप डिलीवरी प्लस एप्लीकेबल जितना भी चार्ज आपको देना है सब कुछ देना है। तो सब कुछ बताऊंगा कितना चार्ज आपको पे करना है। तो यहाँ पे आपको जियो फोन को कंप्लीट बाई करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 99 रुपीज़ आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा, प्लस आपको 501 रुपये लगेगा जियो फोन को एक्सचेंज कराने के लिए, यानी जियो फोन नया जियो फोन का जो प्राइस होगा वो 501 रुपये होगा। उसके बाद आपका जियो फोन को रिचार्ज करना पड़ेगा 594 रुपीज़ देके। अगर 594 रुपीज़ नहीं रिचार्ज करेंगे तो आपको नया सेट नहीं देगा, यानी एक्सचेंज करके नहीं देगा, जो कि मैंडेटरी है, आपको रिचार्ज करना ही करना पड़ेगा। तो आपका जियो फोन को कंप्लीट बाई करने के लिए आपका प्राइस गिरेगा 1195 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1200 रुपये आपको टोटल बढ़ जाएगा इसको बाई करने के लिए नया फोन को, क्योंकि आपके लिए 6 महीना का रिचार्ज फ्री मिलेगा, जिसमें आपको 6 महीने के लिए 500 MB डाटा रोजाना मिलेगा, और आपको अनलिमिटेड कॉल के साथ अनलिमिटेड मैसेज मिलेगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा 10 GB डाटा एड ऑन मिलेगा एक्स्ट्रा।
और अगर आप खुद से जाके जियो स्टोर में जाके फ़ोन को एक्सचेंज कराते हैं तो आपका 99 रुपीज़ नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 1100 रुपये में टोटल कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास रहना चाहिए जब आपका पास एक्सचेंज करने आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन करा जाएगा और OTP आएगा आपके मोबाइल में, उसका आपको रखना है अपने पास। जी हाँ दोस्तों, 1200 रुपये आपको एक्टिवेशन के टाइम में ही पे करना पड़ेगा, तभी आपको जियो फोन नया मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह आप ऑनलाइन में बुक करके भी जियो फोन को अपने घर में बैठ के भी एक्सचेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।